हां ठीक है कुछ नहीं हो रहा जल्दी खा अरे वाह ब्यूटीफुल कलर गंदे भी नहीं हो रहे करवाया यही पैसे बर्बाद ये मिट्टू के पता कितने के हैं पिंक कलर हां नाइस ये मेरे वाले तू तो, तो कह रही अच्छे स्कूल बैग बन के नहीं जाएगी हां बढ़िया बढ़िया हम्म मैं इन्हें देखती हूं चलो मेरे को बड़े अच्छे लग हम्म राम राम मेरी सखियों तो जी आज मैंने ये बहुत सारी गाजर कस ली हैं बहुत सारी मतलब तीन किलो ही हैं ज़्यादा नहीं है तो देखिए गाजर का हलवा हम सर्दियों में ही बनाते हैं ऐसा है नहीं है कि गर्मियों में गाजर का हलवा नहीं बनता बनता है लेकिन गाजर अच्छी नहीं आती सीजनल गाजर तो विंटर्स में ही आती हैं अगर गर्मियों में गाजर मिल गई तो फिर वही कश्मीरी गाजर मिलती हैं जिनमें जूस तो नाम मात्र ही होता है तो मैंने भी बस सोच लिया कि गाजर का हलवा बनाना है और मैंने तीन किलो फ्रेश गाजर मंगवाई मोटी मोटी हलवे वाली उनको कस लिया और यहाँ पे भी मैंने चढ़ा दिया है कुकर में गाजर का हलवा मैं स्पेशली बना रही हूँ समयरा के लिए क्योंकि मेरी सारू को मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले कुकर में गाजर रख दी हैं उबलने दोनों की बहुत सुंदर है मिट्टी हाँ अच्छा अच्छा दोनों के बहुत अच्छा हाँ। ये मैंने ये ये शूज से ही लगी है मेरे को क्यों कैसे लगी इसके हमेशा लगती रहती है इतना दर्द भी नहीं हो रहा बस ऐसे छिल गया ना अच्छे लग रहे हैं मैं रही थी ना तो मैं फोन चार्जिंग पे लगा दूं हट जाओ मम्मी ये तो मैं तो खा लूं तो मैं देखिए गाजर का हलवा बनाने की जो सबसे इजीएस्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी इससे ज़्यादा इजी मुझे लगता है नहीं है गाजर का हलवा बन सकता है और आज किचन में मेरे को बहुत सारा काम है तो मैंने गाजर वाले कुकर में लगाई तीन सीटी और उसके बाद उसको कर दिया बंद उसके बाद मैंने बच्चों की फेवरेट साबुत मलखा की दाल बनाई थी तो उसमें मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का और मम्मी पापा जी के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूली की भुजिया तो मूली को अच्छे से उ नमक डाल के उबाल लिया था दो सीटी लगा के और उसका पानी निचोड़ के ठंडी होने के लिए रख दिया था और दाल में यहाँ साथ ही साथ लग रहा है तड़का क्योंकि लंच का टाइम हो ही रहा है तो मैंने सोचा चलो आज अपने लिए थोड़ा सा काम बढ़ा ही लेती हूँ तो एक सब्ज़ी हो गई दाल चावल हो गए और ये गाजर का हलवा जो थोड़ी सी क्या है ईजी प्रोसेस है लेकिन लेंथी प्रोसेस है गाजर का हलवा भैया ऐसे ही नहीं बन जाता थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है तो चलिए कुकर खोल के देखते हैं तो ये तीन सीटी लगने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है मतलब हंड्रेड परसेंट ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं तो अभी मैं क्या है अभी पहले मैं अपना दाल चल चावल का काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं करूँगी कढ़ाई में ट्रांसफ़र तो यहाँ पर इरा पीकू और समायरा के वो सॉरी बुनू के लिए मैंने प्लेन दाल निकाल ली है बाकी दाल मैंने लगा दिया है तड़का क्योंकि ये तीनों बिना तड़के की दाल खाते हैं बुनू और पिकू को तो अभी हम मसाले वाला खाना देते ही नहीं तो यहां है तो यहाँ पे ये दाल बनकर हो गई है तैयार ऑन द अदर हैंड अब मैं रखूँगी चावल बनने के लिए प्लेन चावल ही बनाऊँगी क्योंकि दाल मैंने थोड़ी सी मसालेदार अच्छी एकदम चटपटी सी बनाई है और यहाँ पर मैं छौक रही हूँ ये मूली की भुजिया मूली मैंने साइड में उबाल के रखी ली है इसे मैंने डाली थी हींग उसके बाद खूब सारी अजवाइन खूब सारी हरी मिर्च और लहसुन मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया एक चम्मच घी और थोड़ा सा नमक चावल बनने के लिए चावल भी बनते रहेंगे और यहाँ पर बहुत ही इजी रेसिपी है जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं ज़रूर कर दूँगी आप बस मुझे कमेंट कर देना और मेरा ये व्लॉग दो दिन पुराना है मैंने बना तो लिया था लेकिन मैंने इसकी एडिटिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी <laughs> देखो मैंने फैक्ट बता दिया झूठ नहीं बोलूंगी मुझे बहुत ठंड लग रही थी मेरी एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो मैंने एडिटिंग नहीं करी आज मैंने करी है तो मैं आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और कल हाँ मैं हम जा रहे हैं खाटू शाम जिसका व्लॉग भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो देखिए यहाँ पे भुजिया भी बनकर तैयार है दाल भी बनकर तैयार है अब मैं जो ये बिल्कुल बॉयल्ड अच्छी तरह से बॉयल्ड गाजर है इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ कढ़ाई में कढ़ाई में क्यों क्योंकि अभी मेरे को इसमें डालना है दूध और जब दूध बहुत अच्छे से पक जाएगा तब तो मैं इसमें डालूंगी खोआ तो यहाँ पे मैंने एक लीटर के करीब दूध इसमें डाला था मतलब एक लीटर से थोड़ा सा फालतू ही होगा कम नहीं होगा तो तीन किलो गाजर हो गई उसमें एक लीटर दूध हो गया और सवा किलो मैंने इसमें डाला था खोआ और चीनी अकॉर्डिंगली डाली थी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया था मुझी बहुत अच्छा उबाल आ रहा है हल्की सी मीडियम फ्लेम मैंने की हुई है ना बहुत स्लो है ना बहुत फुल है तो यहाँ पे दूध ऑलमोस्ट पक रहा है बीच बीच में चलाते रहें ताकि तलवे में जो कढ़ाई की तली है उसमें दूध और गाजर ना लगे वरना स्मेल रह जाती है और यहाँ पे चावल भी बनकर तैयार हैं और ये मम्मी मम्मी की प्लेट कर दी है रेडी पापा जी भी आए नहीं है तो गर्म गर्म खाना यहाँ अमूल लेके जा रही है मम्मी के लिए और मेरे पाजी, और मेरे मम्मा का बेटू मम्मा का बेटू कौन हुई ने दे प्याज दे बच्चों को हाँ? ना खाओ पहले स्टार्ट योर फूड स्टार्ट ओए ये देखिए कि इसकी दे, 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 हलवे की भाप जम गई पूरे कैमरे में <laughs> तो ठंड है ही ठंड लगेगी ठंड लगेगी खिला दो तुम। चलो आओ बोलो, बनो आ जाओ जल्दी देखो आपका फोटो हो गया कम, आ जाओ जल्दी बच्चे एक बार लंच कर लेते हैं ना तो मुझे लगता है मेरा सारा काम खत्म हो गया मतलब माए आई थिंक ऐसी होती है सारी मम्माज की बच्चे आपके बच्चे अच्छे से खाना खा लें प्रॉपरली लंच कर लें डिनर कर लें ब्रेकफास्ट कर लें तो हमें सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो यहाँ पे क्या है दूध बहुत अच्छे से पक गया था अब बारी आती है खोवे की तो खोवे को मैंने अलग से नहीं पकाया है इसको डायरेक्ट मैंने डाल दिया है हलवे के अंदर पूरा सवा किलो ये खोवा था क्योंकि इसमें जो टेस्ट आता है ना वो खोवी से ही आता है इसके अलावा ना मैंने इसमें घी डाला है ना ई कोई ड्राई फ्रूट डाला है क्योंकि सारू ना फिर उसके मुंह में आते हैं ना ड्राई फ्रूट्स तो फिर वो नखरे करती है तो मैंने कहा बच्चा एक ही तो चीज़ उसने बड़े मन से बोली है सर्दियों में कि मम्मा ये बना दो उसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल के उसका टेस्ट ख़राब कर दूँ तो चलो कोई नहीं बच्चों के लिए इतना तो मम्म कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती हैं और खोवा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल हो गई है ऐसी बहुत ही खूबसूरत मतलब मुंह में पानी आ गया होगा अगर आपने देखा होगा तो ब्लॉग देख लिया करो यार और ये मम्मी के लिए मैंने यहाँ पे फीका खोवा निकाला है मम्मी हमारा मीठा नहीं खाती हैं उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है रॉ शुगर ये सारी नहीं डाली थी अकॉर्डिंग टू तो टेस्ट ही डाली थी थोड़ा सा कम मीठा ही रखा था ज़्यादा नहीं रखा था क्योंकि गाजर में खोवे में और दूध में अपनी ही मिठास होती है तो चीनी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी लिमिटेड डाली थी मतलब वेट में तो मुझे आई थिंक नहीं पता होगा लेकिन कम ही डाली थी कैसा है यम्मी यम्मी अच्छा लगा तो जी मेरी सखियों ये व्लॉग खत्म करने से पहले आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस इतने सारे कमेंट यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि मैं अपनी साड़ी की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर हूं तो मैंने सोचा चलो व्लॉग के थ्रू अच्छे से एक एक डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अबाउट दिस साड़ी तो साड़ी मैं यहाँ पर ले आई हूँ मैंने एक बार पहनी है तो मैंने कहा एक बार कभी और पहन लूँगी एकदम से ड्राई क्लीन नहीं कराना चाहिए ना वरना कपड़े में इतनी जान बचती नहीं है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लाउज़ ब्लाउज़ के बारे में आप लोगों को बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न था कि मैंने साड़ी के साथ का ब्लाउज़ पहना है या अलग से परचेज़ किया है तो जी मैंने बिल्कुल साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है ना एट्टी सेंटीमीटर या एक मीटर का वो वाला ही ये ब्लाउज है मैंने अलग से एक मतलब आधा मीटर फैब्रिक भी परचेज नहीं किया इसका बैक जो गला है ब्लाउज़ उस पर मैंने पत्ती की लेस लगवा ली थी और नीचे तो जो इसमें प्योर कटदाने का और पत्ती का वर्क दिया हुआ है वो तो बॉर्डर इसमें ऑलरेडी था ही मतलब जैसे साड़ी में बॉर्डर था वैसे ही नीचे ब्लाउज में बॉर्डर था और जो ये साड़ी थी ना ये गजी सिल्क जो प्योर वाला गजी सिल्क होता है वो ये है चलिए अब बात करते हैं इसकी स्लीव्स की इसकी स्लीव्स भी मैंने अलग से नहीं लगवाई इसमें मैंने लगवाई है लेस मैंने क्या किया पहले एक गोटा पत्ती फिर एक मोती वाली लेस फिर एक गोटा पत्ती फिर, फिर एक मोती वाली लेस ऐसे करके मैंने इसमें छः लेयर्स लगवाई जिसकी वजह से इसकी जो ले ये स्लीव्स हैं एकदम से हीवी हो गई तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने अलग से ब्लाउज़ परचेज़ नहीं किया है जो ब्लाउज़ का फैब्रिक दिया हुआ था उसी में मैंने अपनी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा ली चलिए अब बात करते हैं इसकी पेटीकोट कम स्कर्ट की तो ये पेटीकोट नहीं है ये स्कर्ट है जो थोड़ा सा वो होता है ना फिश कट स्टाइल में स्कर्ट होती है वैसी मैंने बनवाई थी जो ऊपर थाई एरिया वाली जो ब्रॉडनेस थी इसकी स्कर्ट की वो मैंने ज़्यादा रखवाई थी ताकि मुझे चलने में बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो और नीचे से ये इसमें पूरा फ्लेयर था इस ये प्योर मसलिन का फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है जो एकदम तो फाइनेस्ट मसलिन होता है ना वो बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक था स्किन जैसे मैंने टच करके देखा ना बहुत ही प्यारा सा बहुत अच्छा सा बहुत अच्छा चिकना चिकना सा कपड़ा था और इसमें कितना फैब्रिक लगा था साढ़े चार मीटर मैंने इसके ऊपर ना नाड़े वाली वो या इलास्टिक वाला वो नहीं करवाया मैंने इसमें फिक्स बेल्ट डलवाई है प्लस नाड़े का भी सिस्टम करवाया है ताकि ये टाइट रहे इसमें हुक डलवा दिए साइड में फिक्स बेल्ट करा दी और ये देख रहे हैं आप साइड में नाड़ा है तो मैं आगे इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगी कि साड़ी को मैंने इसके ऊपर कैसे ड्रेप किया था आफ्टर आप लोगों ने पूछा है तो डिटेल तो मुझे देनी पड़ेगी अब आ जाते हैं मेरी साड़ी पर ये साड़ी मैंने शॉपिंग जोन एक पेज है इंस्टाग्राम पर जिनके यहाँ से मेरे पास काफ़ी सारे कोलेब्रेशन के कपड़े आते हैं उनसे मैंने ये साड़ी ली है नाइन्टी सेवन हंड्रेड में प्लस इसकी शिपिंग ठीक है जी ये तो इस साड़ी का प्राइस था ये प्योर बांधनी साड़ी है और जो बांधनी साड़ी होती है ना वो क्या है लंबाई में तो पूरी साढ़े पाँच मीटर होती हैं चौड़ाई में थोड़ी सी ये कम थी मेरी हाइट पाँच फुट सेवन इंच के करीब है तो मुझे क्या है ये लंबाई में तो पूरी साढ़े पाँच मीटर थी आफ्टर आ, स्टीम प्रेस मतलब स्टीम प्रेस बोले तो वो नहीं होता चरक चरक कराने के बाद पूरी साढ़े पाँच मीटर थी लेकिन चौड़ाई इसकी मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने कहा ऊंची-ऊंची ना हो तो मैंने इसमें क्या है फॉल की बराबर वही जिस वही फैब्रिक लगवा लिया जिसका मेरा पेटी कोट बना हुआ है अभी देखिए इसको बांधना कैसे है जैसे मैंने ड्रेप किया था ये ये थोड़ा सा फोल्ड हमने अंदर की तरफ किया है ताकि फिनिशिंग आए बाहर से कुछ भी अनिवन ना लगे ये देखिए हमने अंदर की तरफ वो कपड़ा फोल्ड किया ना तो बाहर से कुछ इसकी फिनिशिंग ऐसी आएगी मतलब ये अनफिनिश्ड नहीं लगेगा अब जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं अपनी साड़ी की वैसे ही हमें प्लीट्स बनानी है अकॉर्डिंगली अगर आपकी साड़ी लंबी है तो आप काफ़ी सारी प्लीट बना सकते हैं अगर आपकी छो साड़ी छोटी है तो आप थोड़ी कम बनाइए मेरी साड़ी प्रॉपर साढ़े पाँच मीटर की थी तो मैंने काफ़ी सारी उसमें प्लीट्स बनवाई थी तो अभी मैं बना देती हूँ रफ़ी प्लीट बनाई है जब साड़ी बांधते हैं तब तो हम केयरफुली बहुत अच्छी से बराबर बराबर इक्वल इक्वल हम प्लीट्स बनाते हैं ना तो देखिए ये मैंने प्लीट बना ली सारी इनको अब मैं इक्वल कर लेती हूँ अभी मैंने पेटी कोट मतलब स्कर्ट नहीं पहनी है जो मैंने लोअर पहना है इसी के ऊपर मैं बांध के दिखा रही हूँ ताकि एक रफली आपको आइडिया मिल जाए हंड्रेड परसेंट आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कैसे बांधी है तो ये मैंने प्लीट्स बना ली यहाँ पे मैंने इस साड़ी को नॉर्मली जैसे हम टक करते हैं वैसे ही देखिए मैंने टक कर लिया अभी इसका उल्टा पल्ला जैसे हम पीछे से अपनी साड़ी में लेते हैं वैसे हमने ले लिया ये मैंने इसे ले लिया शोल्डर पर तो मैंने इसको प्लीट बना के लिया था मतलब फॉलिंग पलना नहीं लिया था और जिस तरफ से मेरी ब्लैक लोअर दिखाई दे रहा है उस तरफ से मेरा पिंक स्कर्ट नज़र आ रही थी तो एक तरफ से स्कर्ट नज़र आ रही थी दूसरी तरफ से जो साड़ी ड्रेप हुई नज़र आ रही थी बस दिस इज़ एज सिंपल एज दैट कुछ भी नहीं था मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी आप अपने आप से हंड्रेड परसेंट इसको बांध सकते हैं अच्छा हाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ बेल्ट जो मैंने बेल्ट भी तो बनवाई थी इसके साथ तो समायरा ने जो ड्रेस पहनी थी उसने केप पहना था ना उसके ऊपर श्रग सा उसके साथ की ये थोड़ी सी लेस बच गई थी ये मैंने एक मो, मतलब पुकरम वाले कपड़े के ऊपर ये वाली लेस लगवा ली और नीचे जो पल जो बाजू पे लगी थी लेस वो लगवा ली और बन गई मेरी बेल्ट हो गई मैं सगाई की लुक में रेडी तो आप लोगों को अच्छा लगा था तभी आप लोगों ने मेरे से पूछा तो मैंने इसकी डिटेल शेयर कर दी है अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं तो माय डियर यूट्यूब फैमिली ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय